Assalamualaikum friends, this is Fazila Ansari and welcome to Short Time Self Beauty. So friends, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विटामिन ए कैरेट टोनर, यानी कि गाजरों से बनाया हुआ टोनर। इसे आप घर में किस तरह से बना सकते हैं, चलिए बताती हूँ। बट पहले ये जान लीजिए कि इससे आप होगा क्या, ये आपकी स्किन पे क्या वर्क करेगा। तो जो मेरी वो प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जिनके फेस पर विंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम है, या छाइयों वगैरह की प्रॉब्लम है, या स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके लिए ये टोनर द बेस्ट है और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसे किस तरह से बनाना है चलिए बताती हूँ। बट बताने से पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाजरों से टोनर बनाने के लिए आपने क्या करना है, ले लेना है 5-6 अदद गाजर और उसे आपने ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि हम इसका जूस निकाल सकें। और जब ये अच्छे से ग्रेट हो जाए तब आपने लेना है एक मलमल का कपड़ा और उसमें सारे गाजरों को, ग्रेट किए हुए गाजरों को डाल देना है और फिर इसका जूस निकाल लेना है। तो ये आ गया है हमारे पास गाजरों का जूस। अब हम क्या करेंगे, प्लस हमें इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आपने ले लेना है माश की दाल, चने की दाल और थोड़े से ले लेने हैं चावल। तो इन सारी चीज़ों को आपने एक जगह पर डाल के और उसमें नॉर्मल वाटर डाल के रात भर के लिए भिगो के रख देना है। और जब रात भर भिगोने के बाद आपके चावल और आपकी माश की दाल और चने की दाल भिगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसका चाहिए वाटर, यानी कि इसका पानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसके पानी को एक बाउल में निकाल लूँगी कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है जी गाजरों का जूस 4 टीस्पून के करीब, यानी कि 4 टीस्पून के करीब आपने गाजरों का जूस ले लेना है। और फिर उसके बाद हमने जो दालों का पानी निकाला था आपने उसे भी ले लेना है, 4 टीस्पून के करीब उसे भी ले लेना है। फिर जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करना है वो है जी ग्लिसरीन। आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। और जी अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो डाल लें, ना है तो कोई गल नहीं, बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आपने इसे डालकर, मैंने यहाँ पर 3-4 कतरे ऐड किए हैं, और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर किसी स्प्रे बोतल में आपने इसे डाल लेना है। और जब भी आपने फेस वॉश करना है ना, तो बस इसी टोनर को आपने उठाना है और बस अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है ना जी, बहुत सिंपल बस। और इफ़ेक्टिव तो बेइंतहा है, जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि बहुत नॉलेज वाली रही होगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।